सस्केचेवान के सीनियर अधिकारियों संग बैठक हुई। कनाडा से संबंधों को और मजबूत करने की कवायद में पंजाब में निवेश को लेकर ये बैठक हुई, जिसमें कई बातों पर चर्चा की गई। पंजाब के उत्पादों को लेकर कनाडा पहुंचने पर मंथन किया गया। खबर दौसा से है, जहां सिकंदरा कस्बे में सोमवार को अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज की तरफ से भगवान अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष विजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर भगवान की भव्य शोभा यात्रा गोपाल जी चौक से शुरू हुई, जो कि कस्बे के प्रमुख मार्गो से होती हुई वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची। इस अवसर पर शोभा यात्रा का जगह जगह समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा में काफी संख्या में समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। इस संजय अग्रवाल, भागचंद अग्रवाल, कमल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल सहित अन्य समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वहीं धौलपुर जिले में भरतपुर के रूपबास कस्बे में गमीज में शामिल होकर लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 7 लोग ट्रॉली के पलट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर थाना क्षेत्र में धौलपुर भरतपुर हाईवे पर हुए हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर घायल महिला भगवान देवी पत्नी गरीबा ने बताया कि गाँव के करीब 20 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर भरतपुर एक गमी में शामिल होने गए थे, जहां से लौटते वक्त गाजीपुर के गांव के पास सामने से आती बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिससे ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में ट्रॉली में सवार 4-5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सतीश उपाध्याय, पायलट 108 का। तो हमें सूचना मिली थी कि ये खेपो बाईपास के पास कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, तो सूचना पर हम वहाँ पहुँचे। पहुँच के 4-5 मरीजों को हमने हमारी गाड़ी में रखे चिकित्सालय धौलपुर चिकित्सालय में पहुँचाया है, और एक दूसरी गाड़ी भी 3-4 मरीजों को लेके यहाँ पहुँची है। इसमें कोई सीरियस सीरियस एक दो मरीज थोड़े सीरियस, नहीं तो चोट लगी हल्की फुल्की किसी के, मतलब फ्रैक्चर वैक्चर हुए।